नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की और अपने क्षेत्रों की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मंडल के जनपदों में स्वीकृत परियोजनाओं हेतु यदि भूमि उपलब्ध नहीं है तो तत्काल संबंधित जिलाधिकारी को अवगत कराया जाए, ताकि उनके स्तर से भूमि उपलब्धता के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई कराई जा सके। मंडलायुक्त श्री चौहान ने मंगलवार को अपने कार्यालय सभागार में मंडल के जनपदों में 50 लाख एवं उससे अधिक लागत तथा 50 करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्यदायी विभागों को यह भी निर्देश दिया कि निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के संबंध में भलीभांत अवलोकन करने के उपरांत ही रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए, ताकि बाद में किसी प्रकार विसंगति उत्पन्न होने की संभावनाओं से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा संशोधित आगलन को समय से अपडेट कराएं। समीक्षा के दौरान बताया कि मंडल में सड़कों को छोड़कर 50 लाख तथा उससे अधिक लागत की कुल 340 परियोजनाएं हैं, जिसमें आजमगढ़ की 134, 34 मऊ की 61 एवं बलिया की 145 परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं में आजमगढ़ में 14, मऊ में 8 एवं बलिया में 23 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि तीनों जनपदों में 3-3 परियोजनाएं अभी अनारंभ हैं। यह भी बताया गया कि अपूर्ण कई परियोजनाएं इस माह में पूर्ण हो जाएंगी। इसी प्रकार सड़क निर्माण हेतु मंडल में 50 लाख एवं उससे अधिक लागत की कुल 67 परियोजनाएं हैं, जिसमें आजमगढ़ में 19, मऊ में 22 एवं बलिया में 26 सड़कें हैं। इन सड़कों में आजमगढ़ एवं मऊ में 3-3 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है। तीनों जनपद में शेष सभी कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। सड़क निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष मंडल की वित्तीय प्रगति 99% है। यह भी अवगत कराया गया कि मंडल में 50 करोड़ से अधिक लागत की कुल 21 परियोजनाएं, जिसमें कई पूर्ण हो चुकी हैं। शेष परियोजनाओं में अधिकांश परियोजनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगी। सर, यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो कि यहाँ पे संगठन बनी हुई है और काफ़ी चर्चित है, इसके बारे में ज़रा दो शब्द आप बता दें। आज संगठन के पदाधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने संगठन के बारे में बताया, और जो भी सहयोग प्रशासन की ओर से उनको अगर चाहिए होगा या जो भी होगा तो हमारी तरफ से पूरा उपलब्ध रहेगा। पत्रकार बहुत ही प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम चाहते हैं हमारे कई जो कि जनपदों की इंटीरियर की खबरें हैं वो हमें पत्रकारों के माध्यम से ही पता चलती है, तो वे भी प्रशासन का एक हिस्सा है और मैं चाहूँगा कि वो अपना सकारात्मक सहयोग हम लोगों को दे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ।